के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से अभय चौटाला जो है आमने सामने एक बार फिर से हो चुके हैं। क्या है दोस्तों पूरा मामला, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल योगी स्मार्ट में। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट हरियाणा से जुड़िए। हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल से भी दोस्तों आप जरूर जुड़ें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट। दोस्तों हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला जो है दोस्तों एक बार फिर से जो है चाचा भतीजा आमने सामने हो चुके हैं। क्या है दोस्तों पूरा मामला, वीडियो को अंत तक आप जरूर देखना। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने रोहतक के जिला विकास भवन स्थित सभागार में जो है जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति बैठक ली और इस दौरान जो है हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने चाचा अभय चौटाला के जेजीपी की हरियाणा की जमीन खिसक रही है, इसके लिए राजस्थान में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस बयान को लेकर जो है दोस्तों अभय चौटाला से पूछा गया है कि 2003 और 2008 में इनेलो राजस्थान से चुनाव क्यों लड़ी, जमीन खिसकी नहीं है, अभय चौटाला की मेहनत थी और 2003 में जो है 3 विधायक जीते थे जिसमें अभय चौटाला यह भी हिम्मत नहीं है कि वो एक विधायक जिताकर लाकर खड़ा करें और हम हिम्मत रखते हैं कि राजनीतिक में पार्टी को बनाया जाता है, सुकोड़ा नहीं जाता है। जिस तरह से 11 महीनों में 10 विधायक जीत कर लाए और आज 5 प्रदेश संगठन खड़ा कर दिया है, यह समता और अन्य साथियों का भी जुड़ाव है। इसको लेकर जो है दोस्तों 20 विधायक वाली पार्टी के पास भी विधायक है। उन्होंने कहा कि अभय चौटाला की तरह नहीं है कि 20 विधायक से एक विधायक पर आ गए और पार्टी पहले 5 प्रदेशों में चुनाव लड़ती थी, वह पिछले 10 सालों से हरियाणा को छोड़कर कहीं पर चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है। राजस्थान में चुनाव के लिए 25 से 30 सीटें तय की गई थी जिस पर चुनाव की तैयारी भी की जा रही है, इसकी चर्चा NDA में की गई थी और इसके आगे पॉजिटिव निर्णय होगा तो मिलेगा लड़ेंगे, नहीं तो हम अपने बलबूते पर चुनाव में उतरेंगे। इस प्रकार से जो है दोस्तों हरियाणा के सीएम डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल से अभय चौटाला चाचा भतीजा जो है दोस्तों एक बार फिर से आमने सामने हो चुके हैं। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर जरूर करें।